मूवी कर रही हूँ वाह, जिसका नाम है वाह जी, उसकी शूटिंग चल रही है अभी। मॉडलिंग मेरा पहला कदम रहा है इस एक्टर लाइफ में जाने का। बिल्कुल, मैं एक एजेंसी के थ्रू काम कर रही हूँ जिसका नाम है T4 टैलेंट मीडिया एंड प्रोडक्शन, सिंह काजल ऑफिशियल। दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ अमित और आप देख रहे हैं अमित ए फॉर यू। दोस्तों हम आपको इतने दिनों आर्टिस्ट लोगों से मिलाते थे, कलाकार लोगों से मिलाते थे जो एक सिंगिंग के तौर पर आते हैं। ये एक मॉडल है हमारे साथ जो कि ज़्यादातर प्रोडक्ट को लेकर अपना मॉडलिंग करते हैं और मैम का बहुत सारा फिल्म इंडस्ट्री में भी अपना योगदान दिए हैं, तो आज इन्हीं से बातचीत करेंगे। नमस्ते मैम। नमस्कार आप सबको, मैं काजल सिंह जी, मैं प्रोफेशनली एक मॉडल और एक्टर हूँ जी। काजल जी काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है मॉडलिंग को लेकर जो कि हमारे एरिया सहरसा जिला से आया है। पहले तो थैंक यू सो मच अमित जी इस इंटरव्यू के लिए। प्रसिद्ध तो नहीं हाँ, लेकिन मैं काम कर रही हूँ, बहुत लगन से कर रही हूँ। आई होप कि काम मेरा जो मैं अपने स्ट्रगल फेज में हूँ वो आगे जाए। काजल जी, मेरा फर्स्ट ऑफ ऑल जो क्वेश्चन है आपसे जानना चाहते हैं ऑडियंस, जो आप इस लाइन में है मॉडलिंग के लाइन में कितने दिनों से हैं और कैसे आप आए हैं, थोड़ा इनके बारे में डिटेल्स में बताएं तो काफ़ी अच्छा रहेगा। मेरा 5 साल होने जा रहा है इस मॉडलिंग फील्ड में। मैंने स्टार्टिंग की थी 2017। हमारा एक ऑफिशियल शो आता था मिस बिहार, फेमिना मिस बिहार का, उसके लिए मैं ऑडिशन देने गई थी पटना। अनफॉर्चुनेटली उसमें मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया था, जिसके कारण मेरे पेरेंट्स काफ़ी गुस्सा भी थे। आमतौर पर आपको पता है कि एक मिडिल क्लास की फैमिली की लड़की और छोटे से शहर से निकल के मॉडलिंग की तरफ जाए तो ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। हाँ, बट मम्मा का थोड़ा सपोर्ट था, मम्मा मेरे साथ गई थी ऑडिशन में, बट उस ऑडिशन में नहीं हो पाया था। फिर 2018 में मिस बिहार ग्लैमर करके शो आया जिसकी मैं विनर रही, और वो शो का एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा। हमारे ग्रूमर बहुत अच्छे थे जिन्होंने हमें प्रॉपर ट्रेनिंग दी, इस मॉडलिंग के बारे में बताया क्या होता है, फिर वहीं से मेरी जर्नी स्टार्ट हो गई। ठीक है जी, बहुत अच्छा काजल जी, और चाहूँगा कि आप कुछ मूवी में भी काम कर चुके हैं, शायद आपका मूवी आने वाला है, थोड़ा उनके बारे में एक्सप्लेन कर देंगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा। हाँ जी, उसके बाद तो पहले मैं मिस इंडिया के लिए भी काम की। मिस इंडिया से मैं बिहार से फाइनलिस्ट रह चुकी हूँ 2018 में, मिस रूबरू मिस इंडिया बिहार फाइनलिस्ट। उसके बाद मेरी जर्नी स्टार्ट होती है फैशन शो रनवेज को लेके, तब तक एक्टिंग में मैंने कदम नहीं रखा था। लेकिन लास्ट ईयर मैंने एक शॉर्ट मूवी की है दिनकर फिल्म प्रोडक्शन से, विश्वासघात। उसके बाद मैंने एल्बम सॉन्ग भी किए हैं, अच्छे खासे लेबल पे ऑफिशियल सॉन्ग किए हैं, कोई भी रिपीटेड सॉन्ग पे नहीं किए हैं। अभी रिसेंटली मैंने एक एल्बम सॉन्ग किया, जल्द ही आप सबके सामने होगा। एक वेब सीरीज़ किया है मैंने मगधी बॉयज़ का, बसंतपुर डायरीज़, बसंतपुर डायरीज़ 2 से मेरी एंट्री है, अभी 3rd की शूटिंग चलनी बाकी। और एक मूवी कर रही हूँ वाह, जिसका नाम है वाह जी, उसकी शूटिंग चल रही है अभी। चलिए बहुत अच्छा काजल जी, और चाहूँगा कि आप मॉडलिंग लाइन में हैं और कि हमारे सहरसा ज़िला से काफ़ी प्रशंसा की बात है, और कुछ ऐसे ऑडियंस है जो कि आपके साथ जुड़ना चाहते हैं, यानी कि आपको कभी कोई इवेंट शो में बुलाना चाहते हैं, तो आपसे किस प्रकार कॉन्टैक्ट करेंगे, कोई आपका वेबसाइट वगैरह या यूट्यूब चैनल वगैरह? जी बिल्कुल, मैं एक एजेंसी के थ्रू काम कर रही हूँ जिसका नाम है T4 टैलेंट मीडिया एंड प्रोडक्शन। हाँ, तो आपको जो भी है हमारे, आप इंस्टाग्राम पे भी DM करेंगे, मेरा इंस्टाग्राम हैंडल भी कर रहे हैं ये। क्या नाम से मैम आपका इंस्टाग्राम पेज है? सिंह काजल ऑफिशियल, आप उस पर भी DM कर सकते हैं, उस पर भी आपको रिप्लाई मिलेगा। हमारे एजेंसी मेरा इंस्टाग्राम हैंडल करती है और सारे काम जो है हमारे T4 टैलेंट मीडिया के थ्रू ही हो रहा है। जी बहुत अच्छा काजल जी, मैं आपसे आखिरी सवाल ये भी पूछना चाहते हैं कि आप मॉडलिंग लाइन में हैं और बहुत सारे यहाँ पे फोटोग्राफर भी मौजूद थे, सबका एक ड्रीम होता है आगे हम क्या करना चाहते हैं, आपका कोई ऐसा ड्रीम है जो मॉडलिंग के लाइन में कुछ आगे करना चाहते हैं? जी बिल्कुल, मैं एक सक्सेसफुल एक्टर बनना चाहती हूँ जिसके लिए मैं काफ़ी मेहनत कर रही हूँ। मॉडलिंग मेरा पहला कदम रहा है इस एक्टर लाइफ में जाने का। तो थैंक यू सो मच, और जाते जाते बोलना चाहेंगे कि आप हमारे यूट्यूब चैनल अमित ए फॉर यू के लिए 2 लाइन बोल देंगे अपने ऑडियंस को तो काफ़ी अच्छा रहेगा। थैंक यू सो मच एवरीवन, प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब करें अमित फॉर यू, और बहुत बहुत धन्यवाद आपका जो आपने मेरा इंटरव्यू लिया। थैंक यू सो मच काजल जी, आप अपना कीमती समय देने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल के लिए, इसके लिए आपका आभार व्यक्त करता हूँ। इसी के साथ चाहूँगा दीजिए इजाज़त, नमस्कार।